सचिन शर्मा जी मेरठ से स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आदाब सर। नमस्कार। आदाब। जी सर, मेरा एक बेटा है 4 साल का। उसकी गर्दन में गांठ है, वो हमने इलाज भी कराया लेकिन आराम नहीं लग रहा उसको। 4 साल का जी, बच्चा। 4 साल का है सर। और देखिए, उनको गांठ अगर कुछ परेशान नहीं कर रही और तकलीफ़ नहीं है तो अभी इंतज़ार कर लीजिए, वो इतना बड़ा हो जाए कि हम उसकी गांठ की जांच करा सकें और उसको तकलीफ़ बर्दाश्त करने वाला हो जाएगा जब, तो उसकी जांच भी करा सकते हैं। अच्छा, ऐसी गांठें खून की कमी से भी होती हैं, तो अगर आप उसे ऐसे फल हैं जैसे लाल लाल फल होते हैं, टमाटर है, गाजर है, चुकंदर है, और जितने भी लाल फल हैं इनका जूस, मिक्स जूस पिलाया करें, या मल्टी विटामिन्स खाने लायक ये है तो वो दिया करें, तो मल्टी विटामिन्स की कमी से भी गांठें ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं बैतूल से, माखनलाल जी स्वागत है आपका। हाँ मैडम जी, बोलिए, नमस्ते। प्रश्न करिए। जी, मैडम जी, ये मेरी पत्नी की एज है 55 साल, और इनको ये हाजमा के लिए जो है पेट अपने आप से साफ नहीं होता बिना कोई चूर्ण खाए, जी और यदि चूर्ण नहीं खाते हैं कोई भी किसी प्रकार का, तो वो जब भी मतलब लेटरिन वगैरह आती है तो एकदम कड़क से आती है और अपने आप पेट कभी साफ नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो, सिरदर्द बना रहता है जब तक डेली नहीं होता, लेकिन कभी 4 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में आधा सिर उठ जाता है, शाम शाम को उठता है, कभी रात में उठता है और असह्य तकलीफ देता है। ठीक है बेटा। देखिए, एक आता है बेल पत्थर, आप जानते ही होंगे बेल पत्थर या पत्थर बेल। ये आपको जब ताज़ी मिले तो रोज़ आधी बेल पत्थर ज़रूर इन्हें खिलाया करें, और इसको खाते खाते पानी खूब पिया करें। बेल पत्थर या कोवेट कहते हैं इंग्लिश में, और जब जिनको नहीं मिले ये बेल पत्थर, मौसम नहीं हो, सीजन नहीं हो, तो इसका मुरब्बा मिलता है, मुरब्बा मिलता है जैसे आंवले का मुरब्बा मिलता है, वो लिक्विड में डला हुआ, तो वो ले लें और एक पीस सुबह एक पीस शाम खिलाया करें, 5 बार गर्म पानी पिलाया करें। और एक चीज़ मिलती है मेडिकल स्टोर पर, सभी मेडिकल स्टोर पर, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल एक दिन में 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पिलाकर गर्म पानी पिला दिया करें, या दूध पिला दिया करें। वो दूध गर्म होना चाहिए, पानी भी गर्म होना चाहिए, जैसे आपको आसानी है। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन इनकी आंतों पर खुश्की आ गई है। और कोई भी ऐसा चूर्ण मत खाया करिए, ये जो चूर्ण आम तौर पर पेट सफ़ा, ये सफ़ा, वो सफ़ा करते हैं, ये आंतों की पर एक लेमिनेशन होती है हमारे, ये उसको निकाल देते हैं। शुरू शुरू में फ़ायदा लगता है, बाद में जब वो लेमिनेशन हट जाती है तो हमारी पॉटी आंतों से चिपकने लगती है, बस ये मर्ज शुरू हो जाता है। ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया, इससे उनकी लेमिनेशन वापस आएगी, टाइम लगेगा लेकिन फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं शाहीन हैदराबाद से, स्वागत है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका सवाल क्या है? मेरे 3 सवाल है। पहले बोलिए। तो मैं कुछ भी खट्टा मसाला खाती तो मेरी छाती बहुत जल जल करती, उसका इलाज या तो मैं उल्टी करना या फिर मैं इसके लिए एक टैबलेट यूज करना, और दूसरा चेस्ट पेन होते रहता और मैं हमेशा डॉक्टर को बताते हुए लेकिन उसका कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं निकला। दर्द होता है सर में? सर में चेस्ट पेन होता। ठीक है, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 30 साल है। ठीक है। हाँ देखिए, जांच नॉर्मल आई है तो वर्म हो सकता है, एसिड बढ़ सकते हैं, सूजन हो सकती है, और जो
ये दोनों इलाज आसान हैं लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। धनिया 200 ग्राम, धनिया का दाना, मेथी का दाना 200 ग्राम और सौंफ 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम और नमक, जैतून, ये आपको शायद बाहर से लेना पड़ेगा। जैतून का एक रसायन होता है जिसे नमक जैतून कहते हैं, ये 200 ग्राम, इन सब का पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम पानी से लें और गर्म पानी से लें और दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं तो आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर है तारावती जी, अम्बाला से, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर जी, आपका वो जो आपने जतन का सिरका बताया था और ये काला गोंद बताया था पहुंच गया। और डॉक्टर साहब वो मैं 2 टाइम ले रही हूँ जतन का सिरका, थोड़ा फर्क है, बाकी ये काला गोंद। हाँ जी, और डॉक्टर साहब ये थोड़ा शुगर बढ़ गया था, पहले घट गया फिर बढ़ गया थोड़ा, तो डॉक्टर ने आपके डॉक्टर ने बताया कि और कोई दवाई लो, मैं दवाई अंग्रेजी ले रही हूँ। ठीक है, और दर्द का क्या हाल है आपके? थोड़ा फर्क है। अच्छा एक बात और शेयर करनी थी डॉक्टर साहब आपसे, मेरा जो पेट है ना वो भारी रहता है, खब्बे फेफड़े की तरफ ज्यादा वजन रहता है और रात को सोते समय पेट कूदता है और फिर नसें सारी, ये पेट की नसें हिलती हैं सारी, सुनती हैं धड़कन, सुनती है मेरे को। ठीक है, हाँ। और देखिए फायदा तो शुरू हो गया है और आपको इंग्लिश दवा लेनी है, एकदम से आप छोड़ नहीं सकते इंग्लिश दवा, जो डायबिटीज की आपने छोड़ दी थी इस वजह से शुगर बढ़ गई थी, ये लेते रहिए फिर कंट्रोल हो जाएगी। ये जो सिरका है ये स्थिर रखता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देता और आपकी ये आपको सेफ करता है उन बीमारियों से जो दवाएं जो खा रही हैं उनके जो नुकसान हैं उनसे रोकता है, डायबिटीज़ को, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बहुत सारे फायदे करता है। तो अगर पेट में अभी भी आपके बेचैनी है तो मेथी को पीस लीजिए, 100-200 ग्राम मेथी लेके उसको पाउडर बना लीजिए और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम गर्म पानी से ले लिया करिए, तो ये समस्या बहुत जल्द हल हो सकती है। फ़ायदा शुरू हो गया है आपको और ये ख़त्म होते होते आपका दर्द भी ठीक होना मुमकिन है। आप अगले कॉलर से, स्वागत है आपका, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? नीलम अग्रवाल बोल रही हूँ मैम मैं। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मैम मेरे ना फेस की प्रॉब्लम है, फेस पे पिंपल हो के वो कील मारते होते वो के निशान गड्ढे हो गए है, वो नहीं जा रहे है, पुराने है ये और डार्क सर्कल है, 30 साल है मैम। ठीक है, देखिए जिनके भी डार्क सर्कल होते हैं उनको या मुहासे निकलते हैं, दाने निकलते हैं चेहरे पर या बॉडी पर, तो उनको चाहिए कि अपना पेट ठीक रखें और खून की गर्मी या पेट की गर्मी इसको बढ़ने से ये सब होता है, कोलेस्ट्रॉल होने से भी होता है। तो एक गोंद जिसे गोंद मोरिंगा कहते हैं, सफ़ेद गोंद मोरिंगा सफ़ेद लें और आधा ग्राम पानी में मिला के रोज़ाना पी लिया करें एक बार। वैसे तो एक ही बार में ये फ़ायदा शुरू करता है और चेहरे पर रौनक आने लगती है और काफ़ी फ़ायदा आपको मुमकिन है। बहुत ज़रूरत हो तो फिर ये 2 बार भी ले सकते हैं, आधा आधा ग्राम रात को भी ले सकते हैं पानी में मिला के, इससे आपका पेट भी ठीक रहता है, पेट की हिद्दत कम हो जाती है गर्मी और खून की गर्मी जिसकी वजह से मुहासे निकलते हैं उसका भी ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं यूपी से, यास्मीन, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा बेटा है 12 साल का, जी उसकी हाइट नहीं बढ़ रही। यास्मीन
अभी सही वक्त पे फ़ोन किया आपने, क्योंकि अभी उसको ग्रोथ का काफ़ी वक्त है, और ग्रोथ के वक्त में अगर ग्रोथ खोलने की दवाएं दी जाएं तो फ़ायदा करती है, नहीं तो 20-22 साल के बाद बिल्कुल फ़ायदा नहीं करती। तो अभी वक्त है, आप देखिए एक नारियल पानी रोज़ लें, खरीदें एक नारियल पानी, और उसका पानी गिलास में निकाल कर, एक आता है सफ़ेद गौन मोरिंगा, याद रखें सफ़ेद वाला लेना है, लाल वाला नहीं, ये सफ़ेद असली होता है। सफ़ेद गौन मोरिंगा पाउडर बना लें और एक नारियल पानी में आधा ग्राम रोज़ाना मिलाकर एक बार पिलाया करें, आपका बच्चा खूब लंबा चौड़ा और ग्रोथ करेगा, और ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ख्वातीन के, महिलाओं के बालों की अक्सर परेशानी होती है, अब तो जेंट्स को भी बहुत होने लगी, तो जेंट्स भी अगर अपने बाल या इससे परेशान हो तो ले सकते हैं, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा नुस्खा आप ले सकते हैं। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम विजय रानी है, मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। जी विजय रानी जी, सवाल करिए अपना। हकीम साहब से लाइव प्रोग्राम में बात करवा दीजिए मैडम। जी, मैं लाइव जुड़ा हूँ आपके साथ, सवाल करिए, आपकी क्या परेशानी है? हाँ जी हकीम साहब नमस्कार जी। आदाब। हाँ जी हकीम साहब, मेरे 3 सवाल हैं। जी हाँ जी, एक मेरा बेटा 37 ईयर का है जी, वो ना एक दो बार स्कूटर से गिर गया, उसकी बैक बोन में कोई नस दब गई है। ठीक है, तो उस वजह से वो ना चलने फिरने में उसे बहुत दिक्कत हो रही है, और बेड वेटिंग भी होती है उसकी। ठीक है, और दूसरा बेटा, हाँ जी दूसरा सवाल मेरा ये है कि दूसरा बेटा मेरा 40 इयर्स का है। अरे आपकी उम्र कितनी है? मेरी 70 है जी। अरे आपकी तो आवाज ही बच्चों जैसी है, जैसे कोई जवान लड़की बात कर रही हो। शुक्रिया हकीम साहब। वो 40 इयर्स का है, वो ना डेली शराब पीता है, उसको कोई इलाज बताइए कि वो शराब छोड़ दे। ओफो, अच्छा और तीसरा सवाल। मेरे ब्रदर हैं, वो 74 इयर्स के हैं, उनकी ना जीभ पे एक छाला हो गया है। ठीक, सवाल लिखे हैं आपने? जी बिल्कुल, बताती रहिए मुझे। एक बेटा है इनका 38 साल का, जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है। अच्छा देखिए, अगर आप उम्र नहीं बताती तो मैं तो आपको बेटा बोलता। और देखिए ये बच्चा आसानी से ठीक हो सकता है, या तो गौन स्याह खरीद लें, एक काला गौन जो बड़ा कड़वा होता है, और असली लेना है, नकली बहुत मिलता है, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम बच्चे को खिलाइए, अगर असली मिले तो समझ लीजिए आपका बेटा बहुत जल्दी वैसा हो जाएगा जैसा पहले था, और 2-3 बार गिरा है, अब गिरना नहीं है उनको। देखिए बार बार गिरने से हमारी डिस्क हिल जाती हैं, नसें दब जाती हैं, तो या तो ये गौन स्याह मिल जाए तो दें, या एक आता है कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम दें नाश्ते और खाने के बाद, इससे भी आपका बच्चा ठीक हो सकता है, जो आसानी से मिले आप ले लें। शराब छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, शराब जब तक हौसला नहीं करता बच्चा, या वो किसी रिश्ते को नहीं मानता, घर में इतना बड़ा रिश्ता, तो सबसे बड़ा रिश्ता तो आपसे है, भगवान के बाद आपका नंबर है कि वो आपकी इज्जत करे या अपने पिताजी की इज्जत करे, आपकी बात नहीं मानता। दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है जो छुड़ा दे, हालांकि बहुत एडवर्टाइज आता है कि चुपके से दे दें, खामोशी से पिला दें ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सच नहीं है, सब झूठ और बेईमानी है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ। और आपके उनके जो छाले हैं भाई के, तो देखो एक औरत भाई की अभी कितनी परवाह करती है इस उम्र में, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके भाई के लिए नमक जैतून आता है, एक रसायन है जैतून का, जिसे
नमक जैतून कहते हैं, एस्टेक जैतून भी कह सकते हैं। ये 100 ग्राम ख़रीद लें और एक या दो चुटकी रोज़ाना पानी मिलाकर उन्हें पिला दिया करें, उनका ये मर्ज भी ठीक होना मुमकिन है।